हाउ टू क्रिएट ग्लोइंग इफेक्ट इन फोटोशॉप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इस सब्जेक्ट के सिलेक्शन कर लिए हैं, तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से सब्जेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले लेंगे। नीचे वाली लेयर में आना है हमने और यहाँ से हमें जाना है कलर लुकअप में और यहाँ से ऊपर जाना है और हमने इसको शिफ्ट करना है नाइट और ये जो नीचे वाले इसको यहाँ से करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आना है और हमने जाना है कलर बैलेंस में, तो इसको हमें थोड़ा सा कर देना है फिर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर हमने ऊपर वाली लेयर में आना है और इसको करना है हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। करने के बाद फ्रेंड्स हमने आना है ब्लेंडिंग्स मोड में, ब्लेंडिंग मोड्स में आने के बाद हमने इसको रखना है स्क्रीन, स्क्रीन स्क्रीन रखने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी कॉपी कर लेंगे कंट्रोल जे करके और हमने फिल्टर में आना है और हमने ब्लर और गॉशियन ब्लर में आना है, तो हमने इसको सबसे पहले रखना है 5, यहाँ से तो प्रेस करना है, फिर हमने कंट्रोल जे करना है और कराना है हमने और इसको हमें रखना है 150 यहाँ से रखना है, फिर हमने कंट्रोल जे करना है यहाँ से फ्रेंड्स, ये करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है यहाँ पे आना है और शिफ्ट को प्रेस करना है हमने और हमने इनको करना है कंट्रोल जी, ग्रुप कर देंगे हम इनको, ग्रुप करने के बाद हम आएंगे वहाँ पे और ह्यू सैचुरेशन में जाना है हमने, ऐसे ऐसे करना है फ्रेंड्स हमने और हमने इसे सेटिंग करनी है। इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे लाना है इसको भी यहाँ पे लाना है फ्रेंड्स हमने और इसको भी फ्रेंड्स हमने क्या करना है फ्रेंड्स हमें लेवल्स में आना है, यहाँ से लेवल्स में आएंगे और यहाँ से हम सेटिंग करते हैं के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है ब्राइटनेस में आना है कंट्रास्ट में सेटिंग करने के बाद फ्रेंड्स क्रिएट लेयर करेंगे और ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी को प्रेस करूंगा, कंट्रोल को प्रेस करके हम इसको छोटा कर लेंगे, यहाँ पे सेट करना है स्क्रीन कर देना, स्क्रीन करने के बाद फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा इसको
से फ्रेंड्स हमारी वीडियो एंड होती है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।